Hey guys, welcome back to my channel. I'm Ekta and I hope you all are doing well. And in today's video, I'm going to give you a review on a hair tool. So last month I have got this hair dryer from the brand Agaro, and this is how the dabba looks like. So I got this from Amazon for about 1300 rupees or 1350 rupees. Isse zyada nahi hai. और जो इसका एम आर पी है, हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन 2595, सो इट इज़ द एम आर पी, बट आई गॉट दिस ऑन अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट. सो दिस इज़ हाउ द हेयर ड्रायर लुक्स लाइक. इट इज़ ए वेरी नाइस एंड स्टर्डी हेयर ड्रायर. और इसका जो वॉट है वो 2000 वॉट का ये हेयर ड्रायर है, विच इज़ वेरी पावरफुल एंड क्वाइट पावरफुल हेयर ड्रायर. सो इट कम्स अंडर प्रोफेशनल रेंज ऑफ हेयर ड्रायर्स. और इसमें आपको दो सेटिंग्स मिलती हैं, वन फॉर स्पीड, दिस वन इज़ फॉर स्पीड एंड दिस वन इज़ फॉर हीटिंग. सो हीटिंग के दो सेटिंग्स आपको मिलते हैं, लो एंड हाई. जो फर्स्ट है यहाँ पे, ये उसमें कोई वर्क नहीं करता. जब आप यहाँ करोगे तब हीटिंग स्टार्ट होगी एंड दिस इज़ द हाइएस्ट हीटिंग. और यहाँ पर आपको स्पीड भी मिलती है, दो स्पीड हैं. और यहाँ पे आपको ये कूल शॉट का बटन मिल जाता है. व्हेन यू प्रेस दिस यू विल गेट द कूल एयर एंड दिस इज हाउ इट्स प्लक लुक्स लाइक. इट इज़ नाइस एंड स्टर्डी वायर एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग. और इसमें आपको तीन अटैचमेंट्स मिलती हैं. सो द फर्स्ट इज़ दिस डिफ्यूज़र फॉर कर्ली हेयर गर्ल्स. तो ये कर्ली हेयर वालों के लिए डिफ्यूज़र है. And the second attachment is this comb attachment. So इससे आपके बाल स्ट्रेट भी हो सकते हैं. And the third attachment is a very basic nozzle. This is how this attachment looks like. So in my personal experience, I have used this hair dryer and it is a really nice and powerful hair dryer. So if you are looking for a hair dryer under budget, 1300 rupees के अंदर, it is a very good deal. और quality भी काफ़ी अच्छी है. So you can definitely try this hair dryer out. तो अगर आप चाहते हो then you can definitely go for it. And now you will see how to use these three attachments. तो अगर आपके हेयर कर्ली हैं तो आपको अपने बालों को इस डिफ्यूज़र पर रख के इस तरीके से बाउंस करना पड़ेगा. एंड आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट द परफेक्ट नेचुरल कर्ल्स इन योर हेयर. सो इस कोम अटैचमेंट को यूज़ करने के लिए आपको अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके लेना होगा एंड देन यू विल हैव टू यूज़ इट लाइक अ कोम. एंड आफ्टर दिस यू विल सी दैट आपके जो बाल हैं वो एक बहुत ही नेचुरल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएंगे और वो बिल्कुल भी फ्रिजी या वेवी नहीं लगेंगे. बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल स्ट्रेट इफ़ेक्ट आपके बालों पे इस अटैचमेंट के हेल्प से आ जाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे बाल थोड़े से स्ट्रेट लुक में दिखने लग गए हैं एंड दिस इज़ द इफेक्ट विच यू विल गेट विद दिस अटैचमेंट. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. मैंने अपने बालों को 100% ड्राई नहीं किया है, सिर्फ 80-85% ही मैंने ड्रायर की हेल्प से अपने बालों को ड्राई किया है एंड हियर इज़ द फाइनल लुक. और मेरे बाल काफ़ी वॉल्यूमिनस और बाउंसी लग रहे हैं आफ्टर यूजिंग दिस हेयर ड्रायर. सो गाइज, विद दैट आई एंड अप माई रिव्यू वीडियो हेयर. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, दैट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.